क्या है जो नहीं क्लैरिफाई करना चाहती करीना? क्या है जो अगर हुआ तो मीडिया को पता ही चल जाएगा? अगर नहीं समझ पाए तो आगे सुनिए। करीना कपूर करती हैं एक लैपटॉप ब्रांड को एंडोर्स, एंड इस ब्रांड के न्यू एड के लॉन्च पर जब उनका आमना सामना हुआ मीडिया से, तो जूम के जर्नलिस्ट ने पूछ ही लिया वो सवाल जो कर रहा था उनके फैंस को परेशान, एंड दैट इज कि क्या प्रिंट में छपी करीना एंड सैफ के ब्रेकअप की खबर सच है? क्या वाकई देयर इज ट्रबल इन करीना कपूर पैराडाइज? तो बेबो ने दिया कुछ ऐसा जवाब। Not at all, there's nothing to clarify at all. Because if it was true, you guys would know. But obviously it's not true and it can never be true. I don't need to clarify that at all. That's true, babe. Bollywood में कुछ भी हो, Zoom को खबर लग ही जाती है। जैसे अभी सुनने में आ रहा है that ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी के बाद करीना कपूर फिर से कंसिडर की जा रही हैं मधुर की फिल्म हीरोइन के लिए। इस पर क्या कहना है करीना का, ये भी सुन लीजिए। That has really nothing to do with Sony and whichever films I'm doing, I'm sure the press will know at the right time. यानी करीना ने इस बात को outrightly मना भी कर दिया, पर ये भी सच है कि पूरी तरह हामी भी नहीं भरी। आखिर ये तो बी टाउन की हीरोइंस का स्टाइल होता है, कुछ न कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह देना। चलिए बेबो यही बता दीजिए, What about your wedding? I think whenever, of course, I decide to get married, we'll make an official announcement to the press. When the time is right. Fair enough, करीना, आपने कुछ ना कहने का प्रण ले रखा है लगता है। एक और सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, जाते जाते इस उम्मीद के साथ कि शायद जवाब आ जाए, रिसेंटली आपने करण की अग्निपथ में आइटम सॉन्ग करने से कर दिया है मना। क्या इनकार की वजह प्रियंका थी या थे ऋतिक? That has really nothing to do with Sony and अरे तो अभी तक आप जो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में हमें जवाब दे रही थी वो कौन सा आपके ब्रांड से कनेक्टेड था? इसी सवाल में आपको ब्रांड की याद आ गई, या फिर यूं कहें कि कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई? कीर्ति पंत, जूम, मुंबई।